और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भिवाड़ी में दिन दहाड़े एक्सिस बैंक में डकैती। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो हथियारबंद छह बदमाशों ने 66 लाख रुपए लूटे हैं और बदमाशों ने सुबह 9:30 बजे वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि भिवाड़ी में दिन दहाड़े एक्सिस बैंक में डकैती की गई है, बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियारबंद छह बदमाशों ने 66 लाख रुपए लूटे हैं। ये बड़ी जानकारी, बदमाशों ने सुबह 9:30 बजे वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर भिवाड़ी के फूलबाग थाने की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े यहां पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि 66 लाख रुपए लूटकर और बदमाश मौके से फरार हो गए। तो बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया, ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें 6 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है और सुबह 9:30 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक्सिस बैंक में 66 लाख रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो एक्सिस बैंक में ये डकैती हुई है, जहां पर अब लगातार तफ्तीश इस पूरे मामले की तेज हो गई है। और आपको बता दें 6 हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो भिवाड़ी से ये बड़ी जानकारी, जहां पर बदमाशों ने सुबह 9:30 बजे वारदात को अंजाम दिया है, एक्सिस बैंक में 66 लाख रुपए लूटकर और बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बैंक में किस तरह से यहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। और ऐसे में अब तमाम जो साक्ष्य और पहचान जुटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है, अब देखना यह है इस पूरे मामले का खुलासा कब तक होगा, आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी। क्योंकि इस तरह से वारदात को दिन दहाड़े अंजाम देते हैं आरोपी और बड़े ही शातिर तरीके से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में अब लगातार पुलिस प्रशासन जो है मौके पर मौजूद है। रिको चौक भिवाड़ी के अंदर एक्सिस बैंक है, जहां एक डकैती की वारदात हुई है। संभवतः 5-6 आदमियों ने गन पॉइंट के ऊपर लूट की है। बैंक मैनेजर साहब से पूछताछ कर रहे हैं, कितना अमाउंट वगैरह गया इसके बारे में बैंक मैनेजर हमारे को देंगे। गन पॉइंट पे संभवतः मोटरसाइकिल पे लुटेरे डकैती करने वाले आए थे, जिनकी हम सरगर्मियों से तलाश करें। कितने बजे घटना है? ये 9:30 से 9:50 के। कितने आदमी थे लूटने वाले? मैंने 6 आदमियों का निवेदन किया आपको। अभी पुलिस को शुरुआती जो जाँच उसमें कुछ हाथ लगाए? हम आए हैं, उसके अंदर फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं, शहर के भी कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं, जो भी लेटेस्ट होगी आपको। किसी कर्मचारी के साथ कोई चोट वगैरह नहीं? कोई नहीं, कोई किसी का कोई चोट नहीं। सर, हथियार किस तरीके के थे? हाईटेक थे या हल्के फुल्के हथियार थे उनके पास? वो फुटेज वगैरह पूरी देखेंगे, गन पॉइंट थी। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अभी क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से पुलिस तफ्तीश कर रही है? क्योंकि अभी जिस तरह से पुलिस प्रशासन का जो बयान स्टेटमेंट सामने आया, उनका यह कहना है कि गन पॉइंट पर जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, सुबह 9:30 बजे करीब 5-6 बदमाश हथियारबंद बदियास नकाबपोश एक्सिस बैंक जो कि रिको चौक के पास है, वहां पे पहुंचे। उन्होंने बैंक मैनेजर सहित सभी कर्मचारियों को लॉकर रूम के अंदर बंधक बना दिया। उसके बाद उन्होंने गन पॉइंट पर उनसे स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी ली। स्ट्रॉन्ग रूम में जितना कैश वो ले जा सके, अपने बैग में, अपने कपड़ों के अंदर, अपनी जेब के अंदर, शर्ट के अंदर, उन्होंने वो सारा कैश लिया। उसके साथ गोल्ड भी उन्होंने बैग के अंदर, करीब बता रहे हैं कि 70 लाख रुपए कैश और 1-2 किलो गोल्ड की सूचना है, वो अपने साथ ले गए। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस एसपी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वो अपने बाइक से फरार हो चुके थे, वो हरियाणा सीमा में घुसे हैं। एसपी ने भी पुष्टि की है कि हमारी टीम उनके पीछे लगी हुई है, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। सीसीटीवी में बदमाशों के चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ, कुछ बदमाशों की पहचान कह रहे हैं की गई है, किस तरह की गैंग से थे और किस तरह की काम करने पर रेकी कह रहे हैं कि कुछ दिनों से वो रेकी कर रहे थे यहाँ, और वो अभी सभी हरियाणा सीमा में घुस चुके हैं, उसके पीछे राजस्थान पुलिस लगी हुई है। एसपी शांतनु कुमार जो भिवाड़ी एसपी, वो खुद बैंक में बैठे हुए हैं, यहीं से सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और सुरेंद्र, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, अभी जैसा कि आपने बताया कि वो बीते कुछ दिनों से रेकी यहां पर कर रहे थे, बैंक के अंदर कई सारे सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, ऐसे में अगर कोई रेकी कर रहा है और बार बार बैंक आ रहा है बिना किसी काम के, तो क्या किसी को इस बात की भनक नहीं लगी पहले?
जो बैंक मैनेजर से हमने बातचीत की है उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की भनक नहीं लगी थी, सुबह सुबह वो हम आए ही थे तभी अचानक 5-6 लोग आए, हम घबरा गए। लेकिन पुलिस कह रही है कि बगैर रेकी के इस तरह का काम नहीं हो सकता, जरूर रेकी की गई है। इसमें SP खुद फुटेज देख रहे हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम के फुटेज देखे हैं जहाँ पे बदमाश पैसा लॉकर स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर अपनी जेबों में बैगों में भर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अंदर लॉकर रूम में जहाँ स्टाफ को बंद किया था उनके भी CCTV फुटेज खंगाले हैं और एंट्री जैसे वो घुसे हैं और कहाँ से निकले हैं रास्तों का पता चल गया है, आने का रास्ता पता नहीं चला है कौन से रास्ते से आए थे, लेकिन हाँ लूट के बाद जिस तरह वो भागे हैं जिस रास्ते से भागे उसका आइडेंटिफाई हो गया है, पुलिस टीम उनके पीछे है, SP कह रहे हैं कि जल्द ही खुलासा कर देंगे। सुरेंद्र, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 9:30 से 10 बजे के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में बाहरी लोग तो बैंक में मौजूद नहीं रहे होंगे चूंकि 10 बजे से बैंक खुलता है, और बैंक के कर्मचारी जो मौजूद थे, क्या जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया, किसी को पहचान पा रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर 6 बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। जी, कर्मचारियों से बात, कर्मचारियों का कहना है कि हम जैसे सुबह सुबह बैंक के अंदर पहुंचे ही थे, पूरे कर्मचारी भी नहीं आए हुए थे, 3 कर्मचारी तो बैंक के गेट पे खड़े हुए थे, बदमाश पहले अंदर आए फिर उन्होंने देखा कि कहीं कर्मचारी हमको देख ना ले, तो उन्होंने 3 कर्मचारियों को जबरन खींच के अंदर लाए हैं, उसके बाद उन्होंने शटर डाउन कर दी और लॉक बंद कर दिया, उसके बाद उनको लॉकर रूम में लेके गए हैं। बदमाशों की पहचान की जहां तक बात है तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने टोपी लगा रखी थी सर पे, हट्टे कट्टे थे बदमाश, बेकॉफ थे, हथियार उनके साथ थे, सब लोग डर गए, बैंक मैनेजर भी डर गया, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए मौके पे। अच्छा, जब लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे ये बदमाश और बैंक के अंदर जो CCTV कैमरास लगे हुए थे, क्या उन कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, और अगर छेड़छाड़ नहीं की गई है तो क्या उन CCTV कैमरास के जरिए जो है किसी बदमाश की पहचान की जा सकती है? चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो भिवानी में एक्सिस बैंक के अंदर इस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, और फिलहाल हमारे संवाददाता ने वहां पर मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। एक्सिस बैंक, हम आए हुए हैं एक्सिस बैंक, जहां करीब सुबह 9:30 बजे 5 से 6 हथियारबंद बदमाशों ने एक्सिस बैंक में अंदर घुसे, सभी कर्मचारियों को लॉकर रूम में आप देख रहे हैं वहाँ पर बंधक बनाया, उसके बाद जो कैश रखा था करीब 60-70 लाख रुपये की सूचना है वो लेकर फरार हो गए। तुरंत सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। आइए, भिवाड़ी SP हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आपको पहले दिखाते हैं किस तरह वो यहाँ पे आए और कहाँ पे उन्होंने अंजाम दिया। ये वो लॉकर है जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने सभी कर्मचारियों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्हीं से उन्होंने लॉकर रूम की चाबी ली, अंदर स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी ली, और उसके बाद कैश लेकर फरार हो गए। सुबह करीब 9:30 बजे एक्सिस बैंक में हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला, अंदर आए कर्मचारियों को लॉकर रूम में बंद कर दिया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी ली और कैश लेकर फरार हो गए। सूचना पुलिस को दी गई, तुरंत पुलिस मौके पर आई। अभी हमारे साथ खुद भिवाड़ी SP शांतु कुमार जी मौके स्थल पर आए हुए हैं, मौका मुआयने करिए, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या घटना है और जैसा कि बताया गया है 9:30 बजे के आसपास जब बैंक खुलता है तो उस समय करीबन 5 जने थे, 3 मोटरसाइकिलें इन पर आए थे और आकर के इन्होंने हथियार दिखाया मैनेजर साहब वगैरह को और सारे स्टाफ को लॉकर रूम में, एक बगल वाले रूम में बंद कर दिया, और यहाँ से जो सामान था, करेंसी नोट्स थे, और इनके जो लॉकर्स के अंदर जो सामान होता है उसका पूरा एक अल्मोनियम का बक्सा था वो डाल करके अपने बैग में डाल करके मोटरसाइकिल पे ले गए। हमारी टीम पीछा कर रही है उनका और हमें उनका रास्ते का भी पता पड़ गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी से। करीब कितना कैश होगा? मैं मानता हूँ कि 70 लाख से ऊपर होगा, 1 करोड़ तक भी जा सकता है, और जो अल्मोनियम बॉक्स था उसके अंदर भी इनके जो लॉकर रूम का सामान वगैरह होता है तो ये मतलब करोड़ से ऊपर की है। कितने लोग थे, किस तरह आए थे? 5 जने आए थे मोटरसाइकिल पे थे, 3 मोटरसाइकिल पे, हमें रास्ता पता पड़ गया उनका, मैं खुद भी अभी तक जाके आया हूँ, हमारी टीम भी पीछा कर रही है और हमें काफ़ी कुछ आइडिया है कि कौन लोग हो सकते हैं। सर, तो सुबह सोमवार की एक बहुत ही अच्छा टाइम 9:30 बजे लगभग लोग बैंक में आते हैं, क्या इस तरह की घटना होना और थाने के नज़दीक? हाँ, ये क्या कुछ, हाँ ये थाने के नज़दीक भी, प्लस हमने एक सिस्टम भी बना रखा था, उस सिस्टम के अंदर सारी जो QRTs वगैरह हैं वो आती हैं बैंक पे, चेक करती हैं, तो वो तो देखने की बात है कि वो आई क्यों नहीं आई, वो एक अलग बात है, लेकिन अब ये घटना हुई है तो हम उसको खोल देंगे। जैसा SP बता रहे हैं कि 5-6 लोग थे, उनके हथियारों का पता भी चल चुका है, उनके रास्तों का पता चल चुका है, जल्दी